नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। शायद नरेंद्र मोदी को भी इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जब वो भोपाल से देश के सामने रखेंगे तो उसके बाद गैर भाजपा दल वो और भाजपा विरोधी दल, इन दोनों वर्गों में आने वाले दलों के लिए एक दुविधा की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये अंदाज भाजपा को भी नहीं होगा। आपको याद होगा जब तीन तलाक का मसला था और भाजपा उस पर एडामेंट थी कि तीन तलाक को हम कानूनन रोकेंगे, तो देश में कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दल बुरी तरह आक्रामक थे और वो तीन तलाक के मसले पर मुस्लिम वर्ग जो कह रहा था उसके साथ खड़े थे। लेकिन वो स्थिति अब यूसीसी पर नहीं है, यही बुनियादी अंतर है। यूसीसी के मसले को उछाले हुए 5-6 दिन हो गए, ठीक, देश भर में इस पे बहस मुबाइसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ललकारी रही है कि यूसीसी लाएंगे जरूर, मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया कि हम इसका विरोध करेंगे और पूरी ताकत से विरोध करेंगे। दारुल उलूम ने कहा कि हम विरोध करेंगे। मौलाना अरशद मदनी जैसे लोगों ने कहा कि मुसलमानों के मजहबी हक छीने जा रहे हैं, और ओबीसी जैसे नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है, देश तोड़ने का काम कर रही है। ये कुल मिला के मुस्लिम वर्ग की ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन अब जिस बात के लिए मैं आपके साथ आज मुखातिब हूं वो बात ये कि जब मौलाना अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से उनका मजहबी हक छीना जा रहा है, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आक्रामक है, जब देवबंद दारुल उलूम आक्रामक है, तब जनता दल यूनाइटेड आक्रामक नहीं है। वो भाजपा के तो खिलाफ है। पटना में विपक्ष की बैठक भी बुलाई थी नीतीश बाबू, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम ना खिलाफ है ना पक्ष में है, सबसे बात करके देखे सरकार और जो सबकी राय बने वो करें टाइप का ओपिनियन। क्यों? एनसीपी भाजपा विरोधी शिविर की बड़ी पार्टी है, शरद पवार साहब की पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। एनसीपी ने भी कल कहा, बैठक की और फिर कहा कि हम ना पक्ष में है ना खिलाफ है यूसीसी के। क्यों? पक्ष में आप इसलिए नहीं हो सकते कि आपको लगता है भाजपा के पीछे खड़े माने जाएंगे, लेकिन आप विपक्ष में होने का भी साहस नहीं जुटा पा रहे। ये अंतर आ गया है भारत की राजनीति में। ये गुणात्मक अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर है। लिख लीजिए मेरी बात। क्यों भाई, इन लोगों को तो आक्रामक होना चाहिए था ना। कांग्रेस में भी कोई नेता गांधी परिवार से शुरू करिए और मल्लिकार्जुन खड़गे से होते हुए जयराम रमेश तक आ जाइए, किसी नेता ने ये बोलने का साहस किया क्या कि ईंट से ईंट बजा देंगे, पूरे देश में सड़क पर उतरेंगे, जेल भरेंगे अगर यूसीसी लाया गया? नहीं ना, सब जलेबी छान रहे हैं। जलेबी ठीक है कि देखो ये महंगाई पर बात क्यों नहीं करते हो, रोजगार पर बात क्यों नहीं करते हो, गन्ना पर बात करो, अरहर की दाल पर बात नहीं कर रहे हो, यूसीसी पे बात कर रहे हो। ये तो बोल रहे राहुल गांधी की कांग्रेस कि अरहर की दाल और तूर की दाल में क्या अंतर है, ये बता रहे हैं, लेकिन यूसीसी पर नहीं बोल रहे। क्यों? अब यूसीसी के विरोध में क्यों नहीं खड़े हो रहे दारुल उलूम के साथ? क्यों? इस क्यों का उत्तर खोजिए। इसी में भारत की राजनीति में आया बदलाव छुपा है। इस क्यों का उत्तर अगर आप खोज लेंगे, केसीआर की पार्टी, केसीआर को जहां चुनाव लड़ना है, जीतना है, हारना है तेलंगाना में, वहां मुस्लिम बहुल आधे बहुत सारी सीटें हैं, मुसलमानों का अच्छा वहां वो है, ओबीसी दादा वहीं के हैं, क्या तेलंगाना की केसीआर भी यूसीसी पर
मूंदहू आंख कतहू कछु नाही, तुलसी बाबा कह गए, उसी मुद्रा में चले गए। बोले यूसीसी, बोले क्या क्या पूछ रहे हो भाई, सब जान बचाते क्यों घूम रहे हैं? मोदी ने तो यूसीसी का सुदर्शन चक्र फेंक दिया, चला दिया, अब सब अपनी अपनी गर्दन बचाते घूम रहे हैं। और कुछ लोग ऐसी सात्विक किस्म की कुछ भाजपा विरोधी दल टिप्पणी करके अपनी जान बचा रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। वो कह रहे भाई देखिए जब कानून आएगा तो बताएंगे, अभी से क्या बोले, लीजिए कर लो आप। क्यों भाई, आप लोग तो बारिश आए तब छाता खरीदने वाले तो हो नहीं, आप तो बारिश की सूचना आ जाए तो छाता खोल लेते हो, अब इसमें कह रहे हो जब कानून आ जाएगा तो बोलेंगे। बड़ा बदलाव है। शाहवानों का केस आपको याद है? मेरे ख्याल से नई पीढ़ी के मेरे मित्रों को नहीं याद होगा। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय की बात है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा पहुंचा, हाईकोर्ट से होता हुआ लोअर कोर्ट देन हाईकोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट। एक 75 साल के आसपास की बुजुर्ग महिला थी शाहबानो भोपाल की, उसके खाविंद ने उसके पति ने उसको निकाल दिया, तलाक 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 कह के भाग जा। अब उस उम्र में बुढ़िया कहाँ जाए, उसने कहा चलो चले भी जाए रोटी खाने का तो कुछ गुजारा भत्ता दो। बोले गुजारा भत्ता तो हम देते नहीं, हमारे यहाँ कोई इसका प्रावधान ही नहीं। वो मुकदमा चला, संक्षेप में बताता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट द हेल भाई, गुजारा भत्ता क्यों नहीं देंगे, ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, 70 साल तक बुढ़िया को रखा वहां, हाँ वो तो आपके बच्चे परिवार बढ़ाती रही, सेवा करती रही, उसको निकाल दिया, पान खाया चूना उंगली में लगाया, बोले तलाक 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 जाओ, डोकरी कहां जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको गुजारा भत्ता दो। हंगामा मच गया, सारे मौलाना एक साथ आ गए, हाय हाय होने लगी कोर्ट की। आज जो कांग्रेस बिल्कुल कोल्ड कोल्ड बनी हुई है, ठंडा ठंडा कूल कूल, उस वक्त कांग्रेस फायर फायर हो गई। क्या फूल नहीं फायर हो, था ना डायलॉग, फायर हो गई, मौलानाओं के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी हो गई और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट में लाके पलट दिया। बोला कांग्रेस ने कहा, राजीव गांधी ने कहा कि हम मौलानाओं की शान में गुस्ताखी नहीं होने दे सकते ना। आज वैसी लाइन नहीं ले रही कांग्रेस, क्यों? आज वो दाएं से बाएं से अपना बचाव कर रहे, कहीं कह रही कि अरहर की दाल का रेट बताओ, कहीं कह रही गैस के सिलेंडर का रेट बताओ। और जब ज़्यादा आप झिकझिक करें कांग्रेस के किसी बड़े नेता को पकड़ ही लें और यूसीसी पूछे तो वो कहकर टमाटर पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप, टमाटर के रेट पर बात करिए, यूसीसी क्या होता है? क्या कुछ तो डर है, ये डर क्या है? इवन ममता जी पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये भारत में ऐसे राज्य हैं जो बड़ी मुस्लिम आबादी जहां रहती है, क्या? और भाजपा वाले ममता जी को मुस्लिम परस्त घोषित भी करते, वो कहते ममता बेगम है ये। हालांकि ममता जी चुनाव जब आता है तो वो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते चंडी पाठ सुना देती हैं, वो भी अजब है, गजब है। लेकिन ममता जी भी यूसीसी पर शांत है कि नहीं, आपने सुना कोई उनके मिजाज का बयान, छोटे मोटे बयान की बात मत याद दिलाइएगा, उनके मिजाज वाला बयान कि बंगाल में लागू करके दिखाओ हम ईंट से ईंट बजा देंगे, बताइए। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर वाला जो कानून बनाया था अमित शाह ने, उसके खिलाफ भी ये सब लोग कितना आक्रामक थे, शाहीन बाग जिंदाबाद कर दिया था। ममता जी ने कहा था बंगाल में रसगुल्ला चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा, क्या अब की कोई नहीं बोल रहा, क्यों? मैंने इस पर कुछ बड़े मुस्लिम विद्वानों से बात की, जो एक तरह से मुस्लिम धर्मगुरु आप उनको कह सकते हैं कि विद्वान, उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी हमको किसी से उम्मीद भी नहीं, ये बड़ी बात कह रहा हूं आज, उनका हमको किसी से उम्मीद भी नहीं। मैंने कहा क्यों, ऐसा कैसे हो गया मुफ्ती साहब?
तो उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी, जो सब लोग देखे, ये बड़ी टिप्पणी है। एक मुस्लिम विद्वान मुफ्ती ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, जो दल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, गले तक फंसे हैं, वो नरेंद्र मोदी के द्वारा लाए जाने वाले कानून के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। बोले क्या उनमें इतनी हिम्मत बची है अब? और उन मुफ्ती साहब ने, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत भले आदमी हैं, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, यूसीसी पर 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, कांग्रेस समेत इन रीजनल पार्टियों का सबका। बोले मोदी ने दोनों बातें एक ही मंच से गिनाई, क्या कि हम यूसीसी लाएंगे, एक बात कहे, दूसरा का तुम्हारा सबकी कुंडली भी मेरे पास है, इन्होंने 70,000 करोड़, इन लालू जी के परिवार ने इतने, स्टालिन के परिवार ने इतने, इसने इतने, इसने इतने, ममता बनर्जी के परिवार ने इतने। बोले ये भी तो बोला है, और साथ में ये भी बोला है कि मैं गारंटी देता हूं इनमें से कोई बचेगा नहीं, क्या? तो बोले उसके बाद आप बहुत भोले हैं अग्निहोत्री जी, अगर आप भी सोच रहे हो कि हमारे पक्ष में खड़े होकर क्रांति करेंगे, ना ना ना, ना कुछ नहीं बोलेंगे, ये झूठ मूठ ऐसे आप लोगों के टीवी पे आके कुछ रस्म अदायगी कर देंगे। और उन्होंने एक वो कहा मुहावरा कि अब ये उंगली कटा के शहीद बनने की कोशिश करेंगे, गर्दन कटा के नहीं, क्या? या यूं कह लीजिए, आटा की बोरी पर एक उंगली ऐसे करके, उंगली में आटा लग जाए और पंसारी घोषित कर दो अपने को। बोले ये करेंगे। ये बड़ी टिप्पणी है जो मुस्लिम वर्ग से आई गैर भाजपा दलों की लीडरशिप के लिए, क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप सोचिए, मुलायम सिंह की राजनीति क्या रही है? उनको मौलाना मुलायम कह दिया था भाजपा वालों ने, उन्होंने कहा कि भाई मैं गोली चलवाऊंगा, कार सेवक मारे जाए तो मारे जाए, वरना अयोध्या मत जाओ। कहा सरयू का रक्त लाल हो गया, इतनी लाशें गिरी उस मुलायम सिंह आड़े, और उसका उनको राजनीतिक लाभ भी मिला, क्या? लेकिन आज समाजवादी पार्टी यूसीसी पर आपको कहीं कर डू और डाई की मुद्रा में दिख रही है कि करो या मरो? कहीं दिखी? दिखी हो तो बताइए, किसी ने कुर्ते की बाहर चढ़ाई हो कि ना नहीं पूरे देश में आग लग जाएगी? नहीं ना, कोई नहीं बोल रहा, महबूबा मुफ्ती भी नहीं बोल रहे, बाकी कोई छोड़िए, क्या फारूक साहब भी हल्का हल्का बोल रहे, मैं देख लो, समझ लो, सबसे बात कर लो, मिल बैठ के करो, मुसलमानों के पास शरीयत है, शरिया कानून को भी निगाह में रखे सरकार, और उस पर कई बार सोचे और बैठ के बात कर लो टाइप का जो होता है ना। कहीं से कोई विरोध दिख रहा हो जो ऐसा पहले दिखता था शाहबानों में दिखा, वो दिख रहा है नहीं? ये भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आ गया। और अरशद मदनी जैसे लोग जिन्होंने लगभग 70 साल का सार्वजनिक जीवन जिया है मुस्लिम समाज में, और एक बड़े ओहदे पर वो हैं, जमाते इस्लामी के, जमाते उल हिंद के अध्यक्ष हैं, सदर, जब वो ये कह रहे हैं कि अब हालात ये हैं कि हम केवल अपना नाइत्तफाकी दर्ज करा सकते हैं, बाकी कानून तो आएगा ही, उसको हम कैसे रोक लेंगे, ये स्थिति हो गई। मुसलमानों के वोट से पीढ़ी दर पीढ़ी राज करने वाले राजनीतिक परिवार आज मुसलमान के लिए खड़े नहीं हो रहे। क्यों? इन्हीं के वोट से आपने राज तिलक किया पीढ़ी दर पीढ़ी, यही एम फैक्टर था जिसको आप अपनी नेहरू कट के अंदर वाली जेब में छुपा के चलते थे, कहते थे बाकी कोई कुछ कर लो, 17% तो मेरे पास है, था ना MY, ये क्या है, यही है ना। अब वो M देख रहा है कि Y कहां गया। UCC एक बड़ा टेस्ट केस है हिंदुस्तान की समाज के लिए, समाजशास्त्र के लिए और राजनीति शास्त्र के लिए। और मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, नरेंद्र मोदी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि भाजपा के विरोधी माने जाने वाले दल या भाजपा के विरोध में पटना में झंडा फहराने वाले विरोधी दल
यूसीसी के मुद्दे पर इस कदर पीछे चुपचाप सर झुकाकर या अस्फुट स्वर में कुछ हल्का फुल्का रस्मी विरोध जता के चुप हो जाएंगे। और सबसे विचित्र बात तो ये है कि एनसीपी जैसे दल कह रहे हैं हम ना विरोध में हैं ना समर्थन में हैं। बताइए, ये स्थिति है आज देश की, इसलिए मैं कहता हूँ यूसीसी गेम चेंजर होगा। धन्यवाद।